हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर्स क्यूरी। दिस इज डॉक्टर सुधीर मित्तान हेयर। और हमेशा की तरह एक अनोखा टॉपिक हम लेके आए हैं आपके सामने। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं कि अभी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन है, विंटर इनटेक में कौन कौन सी कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि विंटर इनटेक होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के माइंड में। तो आज हम इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि विंटर इनटेक होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, और जो कंसल्टेंट्स हैं वो कैसे मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कैसे गुमराह करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मिसगाइड किया जाता है। उसके बाद हम डिफरेंसेस देखेंगे कि विंटर इनटेक में और समर इनटेक में क्या डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट फिर हम कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन सी कंट्रीज़ में विंटर इनटेक होता है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विंटर इनटेक है क्या। एक्चुअली विंटर इनटेक यानी कि ये समझ लीजिए, देखिए आप मतलब कोई भी सेशन होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में मल्टीपल सेशंस होते हैं, जैसे जनवरी इनटेक हो गया, सितंबर इनटेक हो गया, अगस्त इनटेक हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी कंट्री में, मान लो फॉर एग्जांपल आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो उनमें एडमिशन्स ओपन ही रहते हैं, तो उसमें कोई पार्टिकुलरली कोई इनटेक नहीं होता है। लेकिन अगर हम एमबीबीएस के रिगार्डिंग बात करें तो जैसे इंडिया में एक इनटेक होता है, वो अपना सेप्टेम्बर इनटेक होता है, लेकिन अब्रॉड में कुछ कंट्रीज़ में विंटर इनटेक भी होता है जिसको हम जनवरी इनटेक बोलते हैं। ठीक है, दो इनटेक हो जाते हैं, एक सेप्टेम्बर इनटेक, ठीक है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक जनवरी इनटेक। तो जनवरी इनटेक जो है उसको हम बोलते हैं विंटर इनटेक, और सितंबर इनटेक होता है वो समर इनटेक होता है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि आप मान लो एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नीट का रिजल्ट आया जून में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक एडमिशन चलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया, मान लो 15 नवंबर तक वो बच्चा पहुंच गया है यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो जो अकाउंट होगा आपका वो सितंबर इनटेक माना जाएगा। लेकिन उसके बाद एडमिशन्स वहाँ पे क्लोज हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे एक इनटेक और दोबारा से ओपन किया जाता है जिसको हम जनवरी इनटेक बोलते हैं, उसको विंटर इनटेक भी बोलते हैं, जो कि आपकी क्लासेस वहाँ पे एडमिशन जो स्टार्ट होते हैं इसमें दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, 15 दिसंबर के बाद, और फरवरी एंड या फिर मार्च 15 तक वहाँ पे एडमिशन चलते हैं, और जब आप वहाँ पे जाते हैं मार्च में अप्रोक्सीमेटली आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस तरीके से दो इनटेक ये हो जाते हैं, एक सेप्टेम्बर इनटेक और एक जनवरी इनटेक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक की अगर हम बात करें, आपने जैसे कि सितंबर इनटेक में आपने एडमिशन लिया, चाहे आप नवंबर में गए या अक्टूबर में गए, डजंट मैटर, आपका जो काउंट होगा वो सितंबर इनटेक होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपका मान लो जो इनटेक माना जाएगा वो सितंबर से लेके, जैसे आपने 2023 में सितंबर इनटेक में एडमिशन लिया, डजंट मैटर कि आप अक्टूबर में गए, नवंबर में गए, लेकिन वो आपका सितंबर इनटेक काउंट होगा। लेकिन आप यहाँ पे ग्रेजुएट कब होंगे? ग्रेजुएट आप आने वाले 6 साल के बाद यहाँ पे जून में या फिर जुलाई में आप यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, और जनवरी इनटेक में क्या होगा कि मान लो आपने जनवरी इनटेक में आप एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एडमिशन ले लिया अभी जनवरी 2024 में, लेकिन 6 साल बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे वो फरवरी या मार्च में आप ग्रेजुएट होंगे। और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट हो रही है या फरवरी में स्टार्ट हो रही है या मार्च में स्टार्ट हो रही है, वो आपका जनवरी इनटेक माना जाएगा। अब इसमें मिस गाइडेंस कहाँ पे आ जाती है कंसल्टेंट्स द्वारा? तो इसमें बहुत सारे कंसल्टेंट हैं स्टूडेंट्स को एक तरीके से मिस गाइड करते हैं कि भाई आप अभी एडमिशन ले लीजिए, आपके 6 महीने बच जाएंगे, आपका 1 साल बच जाएगा। तो बेसिकली गाइज अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका साल नहीं बच रहा है, क्योंकि आपने सेप्टेम्बर इनटेक में एडमिशन लिया तो आप जून जुलाई में ग्रेजुएट हो रहे हैं, अगर आप जनवरी में इनटेक ले रहे हैं तो आप फरवरी और मार्च में 6 साल बाद ग्रेजुएट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी में एडमिशन ले लिया है अभी या दिसंबर एंड में एडमिशन ले लिया और आप इन जो सितंबर इनटेक में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनके साथ जून और जुलाई में आप ग्रेजुएट नहीं होंगे, आपके जो ग्रेजुएशन होगी वो फरवरी और मार्च में ही होगी। तो बेसिकली बहुत सारे कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि भाई एडमिशन ले लो, आपका 1 साल बच जाएगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपका वो साल नहीं बच रहा है, क्योंकि टाइमिंग आपको पूरा लग रहा है। ये नहीं है कि आपने जनवरी इनटेक में ले लिया तो आप इनमें सितंबर इनटेक वाले बच्चों के साथ ग्रेजुएट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये आपको समझना जरूरी है। अब इसके बाद जो इसमें और भी ज्यादा डिफरेंस हो रही आ जाता है कि मेनली जो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि लाइक कोई बच्चा जैसे सितंबर इनटेक में एडमिशन लिया, जून जुलाई में वो ग्रेजुएट हुआ। अब एफएमजी आप लोगों को पता है कि एफएमजी एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, 1 बार जून में होता है, 1 बार दिसंबर में होता है। ठीक है,
तो जो बच्चे यहाँ पे जून और जुलाई में ग्रेजुएट होके आएंगे तो वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं जून में, क्योंकि जुलाई में उनको डिग्री मिलती है, वो इंडिया आते हैं, उसके बाद जब तक एग्ज़ाम हो चुका होता है तो मेनली वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे, जो कि एफएमजी जो होगा वो दिसंबर में एग्ज़ाम देंगे। और जो ये बच्चे हैं जनवरी इनटेक वाले, फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी इनटेक में एडमिशन लिया है, तो आप यहाँ पे फरवरी या मार्च में आप ग्रेजुएट होके आ जाएंगे और यहाँ पे आप जून जो एग्ज़ाम होगा एफएमजी का वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं, 6 महीने का डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ये बच्चे दिसंबर में एग्जाम देते हैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट, ये बच्चे जून में देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेजर जो एडवांटेज यहाँ पे कह सकते हैं आप जून वालों को ये मिल जाता है कि मान लो कोई जनवरी इनटेक में एडमिशन ले रहा है, जैसे अभी फिलहाल नीट पीजी है जो साल में एक ही बार होता है, वो होता है मार्च में। आपने मान लो ग्रेजुएट जून जनवरी में एडमिशन लिया, फेब और मार्च में आप ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद आपने ये जून में एग्ज़ाम दिया, जून में एग्ज़ाम देने के बाद फॉर एग्जांपल आपने क्वालिफाई कर लिया एफएमजी एग्ज़ाम, एक साल की आप इंटर्नशिप करोगे, नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा उसमें जून जुलाई तक आपकी जो चलेगी वो ग्रेजुएशन वो इंटर्नशिप चलेगी। इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपके पास लगभग 7 से 8 महीने का टाइम होगा जो नीट पीजी होता है। नीट पीजी को आप यहां पे इसमें जो मार्च में होगा वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या हो जाता है कि इन्होंने मान लो दिसंबर में एग्जाम दिया, दिसंबर में ये क्वालिफाई हुए तो इनकी इंटर्नशिप भी है वो दिसंबर में कंप्लीट होगी, दिसंबर या जनवरी में होगी। कुछ बच्चे थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का भी होता है क्योंकि फॉर्म भी जल्दी फिल करने होते हैं और जब तक आपका कंप्लीट इंटर्नशिप नहीं हो जाती है तो आप फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर सकते हैं नीट पीजी का, तो वो बच्चे एग्जाम मार्च वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो एडवांटेज मिल जाता है वो मिल जाता है। और मान लो बाई चांस अगर बच्चा दे भी रहा है एग्जाम लेकिन उसको प्रिपरेशन करने का इनफ टाइम नहीं मिलता क्योंकि इंटर्नशिप उनकी जस्ट कंप्लीट हुई है और आने वाले 2 से 3 महीने बाद ही उसका एग्जाम है, तो वो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, उनको एक साल ड्रॉप लेना पड़ता है, एक साल दोबारा से फिर वो प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद फिर जो मार्च में नेक्स्ट ईयर जो मार्च में एग्जाम होगा उसको देंगे। लेकिन जनवरी इंटेक वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है। तो बेसिकली यही बात थी, विंटर इनटेक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जनवरी इनटेक क्या होता है, सितंबर इनटेक क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में डिफरेंस का, जो मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस है इसमें, अब कि कौन कौन सी कंट्रीज में अवेलेबल है विंटर इनटेक, क्योंकि हर एक कंट्री में अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम रशिया की बात करें तो यस, रशिया में अवेलेबल है लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में है, वो है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, रशिया में ओनली एंड ओनली एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है विंटर इनटेक में, जनवरी इनटेक में, वो है कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, भाई किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन अवेलेबल है तो प्लीज़ हमारा एडमिशन करवा दो। तो गाइज, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि अगर आपको कोई लोग बोल रहे हैं यहाँ पे तो या तो आपको लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल आप क्रीमिया की बात कर लीजिए या कबार्दिनो की, कैमरोवो की, किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, आपको कोई बोलता है कि हाँ हम आपका एडमिशन अभी जनवरी में अभी इस टाइम पे करवा देंगे, तो गाइज आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका लैंग्वेज कोर्स में वो एडमिशन डालेंगे, प्री मेडिकल कोर्स में आपका एडमिशन डालेंगे, उसके बाद जो आपका इनटेक स्टार्ट होगा वो सेप्टेम्बर इनटेक से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो जाती हैं कई बार, जिसमें मिसगाइडेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि वो आते हैं यहाँ पे ये सोच के कि भाई उनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहा है लेकिन उनको आने के बाद यहां पे लैंग्वेज कोर्स में डाल दिया जाता है और 6 महीने उनको यहां पे वेस्ट हो जाते हैं, एक तरीके से उनका पैसा भी बर्बाद है और टाइम भी वेस्ट है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया में ओनली एंड ओनली कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशंस अभी ओपन है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम आपका एडमिशन उसमें करवा देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज की, जैसे कि उज्बेकिस्तान है, यस उज्बेक में अभी एडमिशन ओपन है, कजाक में भी अभी एडमिशन ओपन है, विंटर इनटेक होता है, और जॉर्जिया में भी विंटर इनटेक होता है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे विंटर इनटेक होता है। बेसिकली मेनली देखा जाए तो इन्हीं 3 कंट्रीज़ में है, रशिया में तो ओनली एंड ओनली एक ही यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उज्बेकिस्तान की अगर हम बात करें तो आपका ताशकंद में भी ओपन है, एंडिजन में ओपन है, फरगाना में ओपन है, ठीक है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे ओपन है, समरकंद में भी ओपन है। कजाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में भी एडमिशंस ओपन है, एस्फेंद्रो कजाक नेशनल में, अल फराबी में, कजाक रशियन में, या फिर कारागंदा में, या फिर हम साउथ कजाक रशियन की बात करें तो उसमें भी एडमिशन ओपन है, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी ओपन है। अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस और यहाँ पे जो आ जाता है कि भाई
जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ये जॉर्जिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विंटर इंटेक लेती कैसे हैं, उसके लिए गाइज आपको एक चीज़ समझनी होगी। इसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली सीट्स फुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें और उज्बेकिस्तान के में मान लो ताशकंद की बात करें, ताशकंद में अगर 300 सीट्स हैं टोटल, ठीक है, मान लो टोटल 300 सीट्स हैं ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और उसमें से जो सितंबर इंटेक है, मान लो सितंबर इंटेक में 200 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, यानी कि 200 सीट्स उनकी फिल हो गई है, 100 सीट्स बची हैं, तो जो विंटर इंटेक होगा वो ओनली 100 सीट्स पे होगा। ये नहीं है कि वो दोबारा से फिर 300 स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ टोटल 300 सीट्स है यूनिवर्सिटी के पास, 200 स्टूडेंट्स ने सितंबर इंटेक में ले लिया है और बाकी की जो सीट्स हैं उनको वो जनवरी इंटेक में लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 200 की जगह ये 150 है तो यहां पे वो 150 स्टूडेंट्स को लेंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे 250 है तो वो ओनली 50 स्टूडेंट्स को लेंगे। इसी तरीके से हर एक यूनिवर्सिटी में यही क्राइटेरिया है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में सितंबर इनटेक में सीट्स बच जाती हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में विंटर इनटेक ओपन होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी में ओपन हो, वैसे रूल्स है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि उसमें सीट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर हम जैसे उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है ताशकंद मेडिकल अकेडमी है, उसमें ऑलमोस्ट सीट्स फुल हो चुकी हैं, बहुत ही कम सीट्स वहाँ पर अभी बची हुई हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जितना जल्दी हो सके आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम कजाक जो कजाकिस्तान है या जॉर्जिया, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें सीट्स जल्दी फिल हो जाती है और बहुत ही कम नंबर्स ऑफ सीट्स होती हैं जिसमें बच्चों को यहां पे एडमिशन मिल पाता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस टाइम पे, बाय चांस आप नीट के उसमें काउंसलिंग के टाइम पे आप नहीं एडमिशन ले पाए, काउंसलिंग का वेट कर रहे थे और आप चाहते हैं कि आप अभी एडमिशन लें, तो आप ले सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस आई होप आपके जो भी ये डाउट थे विंटर इनटेक से रिलेटेड कि किस यूनिवर्सिटी में होता है, किस कंट्री में होता है और विंटर इनटेक होता क्या है, कैसे वो सीट्स डिसाइडेड होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ और डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे। We know the journey of becoming a doctor can be difficult, and that's why we are here to help you. We are the team of doctors guiding the future doctors through our videos. Doctors Query is the official study partner which aims to give services to students at their best. The services we offer are irreplaceable at one of a kind, from consultation to reaching the universities. We as a team make our students comfortable at every step. We put in efforts and help students to achieve their dream of studying in foreign universities. It's our responsibility to take good care of them like a family and cover them up in all aspects like studies, accommodation, food and support on the campus. And our testimonials say it all that we do an excellent job. Just contact us and leave the rest on us. We will never let you down. Doctors Query will always be there for you. Don't forget to subscribe our channel and welcome to Dr. Square.